नमस्कार दोस्तों, मैच चाहे वन साइडेड हो या फिर कॉम्पिटिटिव हो, फैंटेसी में एक यूजर को उससे क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है? सॉरी, उनको तो इसी बात से मतलब है या हमको इसी बात से मतलब है कि कौन से प्लेयर्स आपको या हमें ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। तो भले ही ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे नाम से ही लगे वन साइडेड रहे, लेकिन आप को ये सोचने में जरूर कठिनाई होगी कि हम जिम्बाब्वे में से 5 प्लेयर लें, 4 प्लेयर लें, 6 प्लेयर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैच भले ही वन साइडेड हो, वीकर टीम आपको ज्यादा पॉइंट्स दे सकती है। लेकिन क्या जिम्बाब्वे एक्चुअली वीकर टीम है? वेल, फर्स्ट ओडीआई कुछ तो अलग बता रही थी कहानी, बहरा वो बाद में अलग डिस्कशन में रखेंगे। ये वाले वीडियो में आपका स्वागत करते हैं फैंटेसी गली, आपका वन स्टॉप फैंटेसी गेमिंग डेस्टिनेशन बनने की चाह रखते हुए। ये वीडियो है सेकेंड ओडीआई, 31 अगस्त को खेला जाएगा, यानी बुधवार 2022 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के 5:10। जी हाँ, सुबह के 5:10। कई लोगों का मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, खास करके वो सोने का टाइम होता है, यानी सोने जाने का टाइम होता है, क्योंकि 4-4:30 बजे तो सोने जाते हैं। तो अगर आप उस तरह के हैं, ज्यादा तो 2-3 तरीके के लोग होते हैं जो शायद 7-8 बजे उठ जाते हैं, या फिर जो 4 बजे सोने जाते हैं, या फिर जो 5 बजे उठ जाते हैं, तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आ जाते हैं आप, तो फिर 4:40 पर आप जरूर उठिएगा या फिर जगे रहिएगा, ताकि आप टीम्स बना सके, टॉस तभी होगा। लेकिन अगर नहीं तो फैंटेसी गली आप कोशिश करेगा कि ऑप्शंस आपको दे कि क्या क्या प्लेयर्स आप रख सकते हैं, और वही सब ऑप्शंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये सारी चीजें हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, आप चैप्टर्स या फिर सेगमेंट्स जो है वीडियो में देखकर उन पर क्लिक कर सकते हैं, जो सेगमेंट आपकी चॉइस में आए। लेकिन एक बार एटलीस्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपने जो सेगमेंट चूज किया हो उस सेगमेंट के अलावा कोई दूसरे सेगमेंट में हमने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दी हो, तो वो आपसे मिस ना हो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार एटलीस्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टॉप फैंटेसी पिक्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क, स्टीवंस में, जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर राजा और शॉन विलियम्स। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शंस कौन होने चाहिए, बाकी 7 प्लेयर्स जो है आपकी टीम कैसे सुशोभित करेंगे, ये जानने के लिए प्लीज 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 वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक अय्यर, मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर फैंटेसी गली की तरफ से इस नए वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे दूसरा ओडीआई जो खेला जाएगा बुधवार 31 अगस्त 2022 को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के 5:10 में। ऑस्ट्रेलिया में तभी 9:40 बज रहे होंगे सुबह के। प्लीज fantasygully.com पे आइए, चेकआउट कीजिए स्टैट्स, फिर उसके बाद टीम्स चेकआउट कर सकते हैं आप, और रिटर्न आर्टिकल्स चेकआउट कर सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखित मिल जाएगी, एंड स्केड्यूल चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि फैंटेसी गली कौन से मैचेस कवर कर रहा है। हर एक मैच के वीडियोस नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको लिखित आर्टिकल्स और टीम्स जो है बन के मिल जाएंगे, तो प्लीज वो चेकआउट जरूर कीजिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें जरूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम। यूट्यूब पे आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वो वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज उन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमारी फैमिली 10,800 की बन गई है, 11,000 की तरफ हम जल्द से जल्द अग्रसर होना चाहेंगे, लेकिन आपके मदद के बिना वो पॉसिबल नहीं है। पिचिंग कंडीशन, स्टोनी आयरलैंड स्टेडियम टाउन जोन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ओडियाईज हुए हैं, और वहां पर मतलब ये तीसरा ओडिया था, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने एक भी नहीं खेला था ये फर्स्ट ओडियाई के पहले। कुछ ज्यादा ओडीआई डिटेल्स यहां पर नहीं मिलेंगे, लेकिन लिस्टे वहां पे जो मार्श कप होता है वो खेला जाता है यूजुअली, तो उस पिच को देखकर ऐसा लगता है कि बैटिंग फर्स्ट एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि पिछले 5 मैच में से 3 जो है बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स को नॉट बैड, करीब करीब 280-290 तक आ जाता है, और फर्स्ट ओडीआई में भी जिम्बाब्वे पहुंच सकती थी 270-280 तक, लेकिन कोलैप्स हो गई लास्ट के 10 ओवर्स में, वो अपनी विकेट्स जो है गवा बैठी, और जो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता था उससे काफी पीछे पड़ गई वो। वेदर 23 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी करीब करीब 70% है, गर्मी जरूर होगी लेकिन बारिश की संभावना नहीं है, क्लाउडी ओवरकास्ट कंडीशंस होंगे, तो फिर से स्विंग मूवमेंट काफी देखने मिलेगी। तो पेसर्स ने यहां पर ज्यादा विकेट्स लिए हैं, नॉट सरप्राइजिंगली 72% विकेट्स लिए हैं पिछले 5 मैच में, और स्पिनर्स ने सेकेंड इनिंग्स में ज्यादा विकेट्स लिए हैं जो फर्स्ट
मैच में भी हमें देखने मिला जब सिकंदर राजा बॉलिंग कर रहे थे और रायन बॉल के साथ, तो ये आप वैसे कंसिडर कर सकते हैं। अब यहां पर भले ही हमें बैटिंग फर्स्ट रखा है, ऑस्ट्रेलिया अगर भले ओवरकास्ट कंडीशंस हो, शायद जिम्बाब्वे टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शायद बैटिंग फर्स्ट ही करे। ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंफ्यूजन है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो अगर आपने फर्स्ट ओडीआई देखा रहेगा तो आपने क्लियरली देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंस की तरह नहीं जीती। हाँ, आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आराम से जीत गए, लेकिन वो डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं हो पाया क्योंकि प्लेयर्स सब रस्टी थे, काफी बड़े ब्रेक के बाद खेल रहे हैं। सो सेकेंड ओडीआई में डेफिनेटली आप एक बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे। अब वर्ल्ड कप आ रहा है, काफी बड़े सीरीज आ रहे हैं, तो प्लेयर्स फॉर्म में चाहिए, बैटिंग टाइम चाहिए क्रीज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आयरन फिंच जीतेंगे, ओवरकास्ट कंडीशंस में भी बैटिंग करना चाहेंगे। ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये कि ये जो ये ओडीआई सुपर लीग है, ये मैच जो है ओडीआई सुपर लीग में आता है, और भारत में जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके लिए टॉप 8 टीम्स भारत के अलावा क्वालिफाई होंगे डायरेक्ट, नहीं तो उन्हें क्वालिफायर्स खेल के आना पड़ेगा। और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 8वें पायदान पर है। जी हाँ, श्रीलंका के साथ सीरीज हार गई थी श्रीलंका में, तो उसकी वजह से काफी नीचे है। सो 10 पॉइंट्स भी हैं, वो भी सोचेंगे आयरन फिंच कहीं बैटिंग फर्स्ट करके अगर मान लीजिए 150 या 200 ऑल आउट हो गए तो फिर उन्हें तकलीफ हो सकती है। तो शायद उनका वो सोच रहेगा कि पहले सीरीज जीते और फिर एक्सपेरिमेंटेशन करें, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। यही एक सीरीज है जहां पर ऑस्ट्रेलिया कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती है, क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका के साथ भी सीरीज है, और यहां पर इंडिया में भी आ रही है खेलने के लिए सीरीज। तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं आयरन फिंच के मन में रहेंगे, लेकिन और आप टीम्स के हिसाब से फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि अच्छे ऑप्शन के साथ आपको टीम्स दे। फिलहाल हेड टू हेड में ओवरऑल में 28-2 का औसत है, ज्यादा कुछ है नहीं। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 2 ही बार हराया है, एक इंग्लैंड में था और एक हरारे में था। लेट एक्चुअली अगर जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के लास्ट 5 मैचेस में करें तो सेकंड लास्ट मैच जो है जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था हरारे में, प्रॉस्पर उत्सेहा ने कुछ 3 विकेट लिए थे। मौका अच्छा है जिम्बाब्वे के पास, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सेकंड ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई से तो 100% बेटर खेलेगी। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जो खेल सकते हैं प्रोबेबल 11? एरन फिंच, डेविड वॉर्नर ओपनर, स्टीवन स्मिथ, एलेक्स कैरी, मार्कस स्टॉइनिस, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, यानी नंबर 8 तक आपके बोलर्स बैट्समैन हैं, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जॉर्ज हेजलवुड। ये पॉसिबल आपकी प्लेइंग 11 हो सकती है। एरन फिंच के फॉर्म पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ऑन एन एवरेज आपको 33 फैंटेसी पॉइंट्स ही दे रहे हैं और पिछले 3 पारियों में देखिए लिटरली कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने। मार्कस स्टॉइनिस ये एक और प्लेयर, बड़े प्लेयर डेथ में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज आपको 42 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, पिछले 4 पारियों में 240+ स्कोर्स है। फिर ग्लेन मैक्सवेल ये अच्छे फॉर्म में, ऑन एन एवरेज आपको 62 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं विद द बैट, पिछले 5 पारियों में 3 30+ स्कोर्स है। जिम्बाब्वे के सामने पिछले 3 पारियों में 2 30+ स्कोर्स है और इस वेन्यू पे पिछले 3 पारियों में 2 30+ स्कोर्स है। और अंत में जॉश हेजलवुड, कंसिस्टेंसी, ऑन एन एवरेज आपको 42 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं और न्यू बॉल के साथ अगर थोड़ी स्विंग मूवमेंट मिल जाए तो ये काफी अच्छा कर सकते हैं। अब इस प्लेइंग 11 के हिसाब से पावर प्ले बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, जॉर्ज हेजलवुड, मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन, ये 4 आपके पावर प्ले बॉलर्स हो सकते हैं। और डेप्थ में मिचेल स्टार्क, कैमरन ग्रीन, जॉर्ज हेजलवुड और एडम जैम्पा भी आपके बॉलर्स रह सकते हैं। अब जिम्बाब्वे की तरफ रुक करते हैं। अब ये पॉसिबल 11 हो सकती है, इनोसेंट काई और तड़ीवन आशे, मनुमानी ओपनर्स। अब शॉन विलियम्स टीम के कप्तान हैं और सैटरडे को, संडे को पहला मैच था, सैटरडे को उनको नेट्स में हाथ पर लगी थी, कलाइयों पर चोट लगी थी, इसलिए वो फर्स्ट ओडीआई मिस कर गए। अब सेकंड ओडीआई बुधवार को है, 3 दिन का रेस्ट मिला है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉन विलियम्स आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद वेस्ली मदेवेरे की जगह पे ही आएंगे जिन्होंने पहले ओडीआई में 72 रन स्कोर किए थे। हो सकता है मदेवेरे भी खेले, विलियम्स भी खेले और शायद मुनियोंगा या फिर मरुमानी या काइया की जगह पर विलियम्स आ जाए। सिकंदर राजा, रेगिस चकावा, रायन बॉल, ल्यूक जोंग, ब्रैड एवेंस, रिचर्ड एंगरावा और ब्लेसिंग मुजराबानी, ये भी चोटिल हुए थे पहले ओडीआई के पहले और ये एक्सपेक्टेड है सेकंड ओडीआई में आने के लिए, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं क्योंकि विक्टर नाउची के जगह पे ये आ सकते हैं ब्लेसिंग मुजराबानी। तो अगर पावर प्ले ओवर्स की अगर हम बात करें, बॉलर्स कौन कर सकते हैं, तो रिचर्ड एंगरावा बॉलिंग करेंगे, ब्रैड एवेंस बॉलिंग कर सकते हैं, ब्लेसिंग मुजराबानी भी बॉलिंग कर सकते हैं। वहीं डेथ ओवर्स में
ब्रैड एवेंस रहेंगे, रिचर्ड एंगरावा रहेंगे, ब्लेसिंग मुजरावानी रहेंगे और ल्यूक जोंगवे जो बहुत बहुत कंसिस्टेंटली यॉर्कर्स डालते हैं, पिछले मैच में भी हमने देखा था। और फैंटेसी इलेवन, एक सजेस्टेड फैंटेसी इलेवन, उसके पहले अगर आपको हमारा अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक दबा दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये हमारी तरफ से ऑप्शन है, एक विकेट कीपर, तीन बैटर या चार बैटर आपके हिसाब से, चार ऑलराउंडर और फिर तीन बॉलर या चार बॉलर या पांच बॉलर, आपको जैसे सही लगे, जो आपका दिल करे वैसे। तो एक कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एलेक्स कैरी विकेट कीपर, ऑन एन एवरेज एलेक्स कैरी आपको दे रहे हैं 46 फैंटेसी पॉइंट्स, पिछले चार पारियों में दो 45 प्लस स्कोर्स हैं। फिर बैट्समैन की तरफ रुख करते हैं, स्टीवन स्मिथ, पहले स्टीवन स्मिथ के बारे में बात करते हैं, इन्हें आप टीम से क्यों ही बाहर रखेंगे, खासकर इस फॉर्मेट में ऑन एन एवरेज आपको 80 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं और पिछले पांच पारियों में मिनिमम लोएस्ट स्कोर जो है 28 आया, बट बाकी चार में देखिए मिनिमम उनके 48 यानी 45 प्लस स्कोर्स तो दे ही रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं इनोसेंट काइया पर, नहीं ये नाम मैं नहीं भूला हूं, मैं पहले ये नाम बात कर रहा हूं, इनोसेंट काइया जिम्बाब्वे की तरफ से, ऑन एन एवरेज आपको 39 फैंटेसी पॉइंट्स ये देते हैं। अब ऑप्शनल वाले बात करते हैं, डेविड वॉर्नर या फिर मानस लाबुशे, डेविड वॉर्नर ऑन एन एवरेज आपको दे रहे हैं 67 फैंटेसी पॉइंट्स और पिछले पांच पारियों में 335 प्लस स्कोर्स हैं। अब सवाल यह आएगा, मानस लाबुशेन टीम में आएंगे ही क्यों, नहीं आने चाहिए, 99% नहीं आएंगे, बिकॉज एक ही ओडीआई हुआ है और मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया कोई चेंज करेगी, लेकिन ये ऑप्शन है और अगर मानस लाबुशेन टीम में आने तो आप उन्हें कंसिडरेशन में जरूर रख सकते हैं, ऑन एन एवरेज ये आपको 42 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं। ऑलराउंडर में सिकंदर रजा, सबसे पहला नाम जिम्बाब्वे की तरफ से, ऑन एन एवरेज सिकंदर रजा आपको दे रहे हैं 94 फैंटेसी पॉइंट्स, थोड़ा बैटिंग में कंसिस्टेंसी इश्यू है बट आपको रन्स और विकेट्स दोनों ये निकाल कर देते हैं। फिर मिचेल मार्श, ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन आर्म बॉय, ऑन एन एवरेज मिचेल मार्श आपको दे रहे हैं 71 फैंटेसी पॉइंट्स और अगर हम कहें कि वो आपको किस तरह से विद द बैट डेथ ओवर्स में बैटिंग करके दे सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं नंबर थ्री नंबर फोर पर और डेथ ओवर्स में बोलिंग भी करके दे सकते हैं। फिर कैमरन ग्रीन, पिछले मैच में एक फाइफर निकाला था बट उनके फिटनेस पे हमेशा इश्यूज रहते ही हैं, ऑन एन एवरेज आपको 66 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं और बोलिंग में आपको अच्छी बाउंस एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं। तो ये होगा तीन प्लेयर, अब यहां पर ऑप्शनल है शॉन विलियम्स या फिर वेस्ले मदेवरिया। तो अगर शॉन विलियम्स खेलते हैं ऑन एन एवरेज आपको 71 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, पिछले पांच पारियों में 340 प्लस स्कोर्स और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलिंग भी कर सकते हैं शॉन विलियम्स। फिर दूसरे ऑप्शन है वेस्ली मदेवरे, पिछले मैच में 72 स्कोर किया था, ऑन एन एवरेज सिर्फ 28 पॉइंट्स ही दे रहे हैं लेकिन ये भी ऑफ स्पिन और टॉप द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर आकर आपको रन और विकेट्स दोनों दे सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑलराउंड ऑप्शन। अब आते हैं बोलर्स पर, मिचेल स्टार्क सबसे पहले, पिछले मैच में उनका 100वां ओडीआई था, ऑन एन एवरेज आपको 84 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं ये वाले फॉर्मेट में, पिछले पांच पारियों में एक भी बार विकेट्स नहीं गए और वो देखे चार में कम से कम आपको दो विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं मिचेल स्टार्क, प्लस जिम्बाब्वे के सामने पिछले तीन पारियों में दो टू विकेट हॉल्स हैं। फिर आ जाते हैं एडम जैम्पा या फिर एस्टन एगर, अगेन एस्टन एगर का टीम में आना मुश्किल लग रहा है इस सेटेड कॉम्बिनेशन में, बट ऑप्शंस है, एडम जैम्पा ने पिछले मैच में तीन विकेट ली थी, ऑन एन एवरेज आपको 73 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं और अगर उसके पहले वाले मैच को छोड़ दे पिछले पांच पारियों में चार टू विकेट हॉल्स हैं एडम जैम्पा के, तो कंसिस्टेंसी बहुत बहुत अच्छी है। वही अगर एस्टन एगर के बारे में भी अगर आपको सोचना पड़े, अगर खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया तो ऑन एन एवरेज आपको 56 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं और पिछले पांच पारियों में चार टू विकेट हॉल्स इनके भी हैं। ओनली थिंग इज एस्टन एगर सेकंड इनिंग्स में ज्यादा बोलिंग अच्छा करते हैं, तो अगर ये दोनों प्लेयर खेल रहे हो तो आप एस्टन एगर को तभी लें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बोलिंग कर रहे हो यानी फर्स्ट बैटिंग कर रही हो। फिर इसके बाद ब्लेसिंग मुजरावानी या फिर विक्टर नाउची, ब्लेसिंग मुजरावानी जिराफ जैसी हाइट है उनकी, ऑन एन एवरेज आपको 64 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं और हाइट अच्छी है तो बाउंस भी अच्छी मिल सकती है और इस पिच पे ट्रू बाउंस काफी अच्छी है, तो पिछले पांच पारियों में एक भी बार विकेटलेस नहीं गए हैं और तीन जो है टू विकेट हॉल्स हैं। और विक्टर नाउची के बारे में भी अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज नाउची आपको 36 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, पिछले मैच में ओके थे और इनको आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं, अगर दोनों खेल रहे हो तो आप नाउची को तभी ले,
अगर जिम्बाब्वे फर्स्ट बॉलिंग कर रही हो तो। और इसके बाद द टॉप फैंटेसी पिक्स में स्टार्क, स्मिथ, राजा विलियम्स और कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन में हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए मिचेल स्टार्क, सिकंदर राजा, एडम जैम्पा, ब्लेसिंग मुजरबानी। ग्रैंड लीग के लिए स्टीवन स्मिथ, शॉन विलियम्स, मिचेल मार्श और ब्रैड एवंस। इनके अलावा अगर आपके पास कोई नाम है या फिर प्लेइंग लेवल में भी अगर आपके कुछ सजेशन है प्लीज हमें लिख जरूर भेजिए हमारे चैट और कमेंट सेक्शन में। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में लो टू मीडियम ही रखें, हेड टू हेड और स्मॉल लीग में ज्यादा टीम्स बनाएं। ग्रैंड लीग में हम एक या दो ही टीम्स रखें। टीम बनाने के बाद कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के पहले प्लीज फैंटेसी गली पे आए, कॉन्टेस्ट सेक्शन पे जाए, वहां पर फैंटेसी मौजूद है, उन्हें स्क्रोल करें लेफ्ट टू राइट। स्क्रोल करते करते लेफ्ट साइड में आपके कॉन्टेस्ट बदलते जाएंगे और उन कॉन्टेस्ट में आप कितना कमा सकते हैं वो अप्रोक्सीमेट कमाई आपको दर्शाई जाएगी। और जब ये आपने सिलेक्ट कर लिया फिर जाके फैंटा पे माउस ओवर करें तो आपको ये बता दिया जाएगा कि इस सिलेक्शन के हिसाब से आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। इसके बाद ही कॉन्टेस्ट खेलने उतरे, एवी ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट ना करें, आपको भारी नुकसान हो सकता है। एंड ऑन दैट नोट हम इस वीडियो के समापन तक आ गए हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से उन सभी लोगों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने का कष्ट किया। उम्मीद करता हूं कि हम आपके उम्मीदों पर पानी नहीं फेर रहे हैं और हम आपके उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। अगर हाँ तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 10,800 की फैमिली हो गए हम, 11,000 की तरफ अग्रसर जल्द से जल्द होना चाहते हैं। अगर नहीं अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट्स और चैट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए कि हम किस तरह से आपकी बेहतर सेवा कर सकते हैं। प्लीज fantasygully.com पे आइए, चेकआउट अदर डिटेल्स, हेड टू हेड स्टैट्स वगैरह वगैरह, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जरूर जुड़े। और जाने के पहले एक बार फिर से रेकमेंड करूंगा कि प्लीज फैंटेसी गली का ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा वहां से। इसका फायदा क्या होगा, जैसी टीम्स अनाउंस हो जाते हैं आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन ऐप में आएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड, यानी अब जो प्लेइंग 22 है वही दिखेंगे आपको मैच सेंटर में यानी ऐप में या फिर वेबसाइट में, जो नहीं खेल रहे हैं वो प्लेयर्स नहीं दिखेंगे। दूसरा फायदा, जैसे ये हो जाता है आपके पास एक पिटारा खुल जाएगा टीम सेक्शन में, ड्रीम इलेवन के लिए 10 टीम ऑप्शंस, माय टीम 11 के लिए 10 टीम ऑप्शंस, 11 विकेट्स के लिए 10 टीम ऑप्शंस, ऐसे करते करते 70 से 80 टीम कॉम्बिनेशंस। क्या है वो टीम कॉम्बिनेशंस, ग्रैंड लीग में 4 से 5 एक बनी बनाई हुई सी टीम, स्मॉल लीग के लिए ऐसे 4-5 ऑप्शंस, फिर हेड टू हेड के लिए ऐसे 4-5 ऑप्शंस, वो ऑप्शंस आपको एक बड़े से 70 से 80 ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, आप सभी के सभी यूज कर सकते हैं। लेकिन फैंटेसी गली की तरफ से एक सुझाव है, हैशटैग अपनी अकल ऑन कीजिए, यानी आप टीम्स तो ले सकते हैं लेकिन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करें। 7 से 8 प्लेयर्स आप डेफिनेटली ले लें हमसे, लेकिन 3 से 4 प्लेयर आप अपने चॉइस के, अपने पसंद के जरूर रखें ताकि आपकी टीम जो है यूनिक रहे और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। ऑन दैट नोट मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की तरफ से आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट जब आप इस मैच के लिए अपनी टीम बनाए। धन्यवाद, नमस्कार।